ओम शांति। 1 नवंबर के ईश्वरदान मास का स्वागत है। परमपिता परमात्मा कहते हैं, मन मना भव हो, अलौकिक विधि से मनोरंजन मनाने वाले बाप समान भवा। मन मना भव हो करके, मतलब कि मन को मना करके भगवान में लगाओ। संगम युग पर यादगार मनाना अर्थात बाप समान बनना। तो हमारी जो यादगार है वो है कि हम सोल कॉन्शियस होते हैं, मन मना भव, अपने आप को आत्मा समझ करके परमात्मा को याद करना, उसे हम परमात्मा के समान बनते हैं। ये संगम युग के सुहेज हैं, गिफ्ट हैं ये सारे। खूब मनाओ लेकिन बाप से मिलन मनाते हुए मनाओ। मतलब कि दीपावली जो मनानी है हमें और ये जो मिलन जो मनाना है, ये हमारा संगम युग का जो मिलन है, ये हमें कैसे मनाना है? मिलन मनाते हुए मनाओ, मतलब कि परमात्मा की याद में रह करके, प्रेम में रह करके तब मनाओ। सिर्फ मनोरंजन के रूप में नहीं, लेकिन मन मना भव हो, मनोरंजन मनाओ। संगम युग को आप एंजॉय कर सकते हो। एंड परिवार मिला हुआ है, ब्राह्मण परिवार मिला, हर चीज़ इजी हो जाती है, काम फटाफट होने शुरू हो जाते हैं हमारे लाइफ में, जो विघ्न थे वो सारे मिटने शुरू हो जाते हैं। और परमात्मा कहते हैं कि आप एंजॉय तो करते हो लेकिन परमात्मा की याद में कर रहे हो, मन मना भाव होकर कर रहे हो, कहीं भूल तो नहीं गए हो कि ये संगम युग में लाया किसने है। अलौकिक विधि से अलौकिकता का मनोरंजन अविनाशी हो जाता है। मतलब परमात्मा के याद में सोल कॉन्शियस होकर के, आत्माभिमानी होकर के हम अगर मनाएंगे अपना यह अलौकिक जीवन, तब उसका मनोरंजन अलग होगा और अविनाशी होगा, मतलब कि विनाश नहीं होगा। कुछ समय तक रहेगा, फिर उसका मतलब फिर बुरे वक्त आ जाना, मतलब ये चीज़ नहीं होगी। संगम युगी दीपमाला की विधि, पुराना खाता खत्म करना। हर संकल्प हर घड़ी नया अर्थात अलौकिक हो। पुराना खाता खत्म करना, मतलब पुरानी आदतें, पुरानी सोच, पुराने बोल, पुराने कर्म, पुराने संस्कार को खत्म करना। हर संकल्प हर घड़ी नया अर्थात अलौकिक हो। संकल्प भी नया हो, हर समय भी नया हो, अलौकिक हो। पुराने संकल्प, संस्कार, स्वभाव, कैरेक्टर हमारा है, चाल चलन, यह रावण का कर्जा है, इसे एक दृढ़ संकल्प से समाप्त करो। परमात्मा कहते हैं दृढ़ संकल्प करो, समाप्त करो। लटक के रहना, लटकाते रहना, खींचते रहना, खिंचवाते रहना, वही बात को, वही कर्तव्य को, वही संस्कारों को, ये हमें नुकसान पहुंचाता है। मतलब आदतें जल्दी नहीं बनती हैं। ओम शांति।